तेज तर और बर्क रफ्तार रीडिंग ऑनलाइन कश्मीर न्यूज सर्विस। और हमारे साथ यहाँ पर चौधरी जाहिद हैं जो गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, जम्मू कश्मीर के यूथ कॉन्फ्रेंस के। और जाहिद ये हमारे हैं गुफ्तार चौधरी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं गुजर बकरवाल यूथ कॉन्फ्रेंस के। और हमारे मंजूर अहमद फावड़ा साहब जो जिला सदर हैं श्रीनगर के ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एस सी एस टी ओ बी सी के। और हमारे बरकत साहब हैं जो यूनिवर्सिटी स्कॉलर हैं। तो हमारा ये मकसद आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने मुनक्कद की है यहाँ, इसका ये मकसद है, एक तो हम गवर्नर साहब का वेलकम करते हैं जो उन्होंने करप्शन के खिलाफ यहाँ पर कदम उठाए हैं। तो इसके अलावा हमारी जो डिमांड्स हैं वो ये हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था रिजर्वेशन प्रमोशन हमारा जो था, तो वो उसको बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर निकाला था और उसको बदकिस्मती से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारे एस सी एस टी ओ बी सी लोग जो हैं जो मुलाजम हैं वो परेशान हैं 2-3 सालों से। और उसको जल्द अज जल्द हमारी ये डिमांड है कि उसको बहाल किया जाए। और दूसरी बात हमारी ये है कि हमारा ज़िला बड़गाम में गुजरों की आबादी है, नीलनाग एक जगह है और हेजन ब्रह्मवाड़ एक जगह है, जिसको हम चाहते हैं कि इन दो खूबसूरत जो इलाके हैं इनको सियाहती नक्शे पर लाया जाए और ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इसके अलावा हम गुजारिश करते हैं कि हमारे गरीब लोगों ने केसीसी लोन जो निकाला था उसको माफ़ किया जाए। और गवर्नर साहब से हमारी बहुत बड़ी गुजारिश ये भी रहेगी कि वो हमारे जो मुतालबात हैं हमारे देहातों में जहाँ पर हमारे लोगों की आबादी है वहाँ सड़कें जो हैं उनकी खस्ता हालत है, तो उन सड़कों को ठीक किया जाए और फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसको लागू किया जाए। इसके अलावा हमारे जो बकरवाल लोग जिनका नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब एक खसूसी टीम बनाए ताकि उस नुकसान का जो है जायजा लिया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। ताज़ा तरीन मालूम के लिए आप जुड़े रहें KNS के साथ। KNS को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें।